नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे थे शिष्य की विशेषताएं। कौन सा टॉपिक था अपना? शिष्य की विशेषताएं। सात विशेषता अपन ने पढ़ ली है, आठवीं विशेषता आज शुरू करते हैं अपन। आठवीं विशेषता लिखो, पुस्तक संख्या, फॉर्मूला। पुस्तक संख्या फॉर्मूला। पुस्तक संख्या फॉर्मूला मतलब बुक नंबर फॉर्मूला, बुक नंबर फॉर्मूला। और बुक नंबर फॉर्मूला रंगनाथन जी ने दिया हुआ है शिष्य के अंदर। इसके अंदर क्या है, एक ही विषय की अनेक पुस्तकें हैं तो उनके लिए बुक नंबर फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है। यानी एक ही विषय की अनेक पुस्तकें हैं तो इसके लिए इसका प्रयोग आएगा। बुक नंबर फॉर्मूला है क्या? LFYA। शुरू के चार अक्षर हैं, इनके लिए कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी वाले चार VSC और CR, इसके लिए क्या है, डॉट सप्लीमेंट्री, इसके लिए कॉपी नंबर और इसके लिए कॉलन। इन चारों के लिए प्रयोग किया गया है और इन चारों के लिए कोई योजक चिन्ह का प्रयोग। L का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। F का मतलब फॉरम। Y का मतलब ईयर। A का मतलब एक्सेशन नंबर। ठीक है, L का मतलब लैंग्वेज है, भाषा। इसका प्रयोग आपको पता, लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर नंबर 5। रूप यानी फॉर्म नंबर, बुक नंबर फॉर्मूला चैप्टर 2 के अंदर। वाई यानी ईयर, टाइम आइसोलेट के अंदर इसका प्रयोग। प्रकाशन वर्ष, एक्सेशन नंबर, परिगणित संख्या। हिंदी में लेकर भाषा, रूप क्या है साहित्य का, साहित्य का प्रकाशन वर्ष क्या है और परिग्रहण संख्या। वी का मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम नंबर यानी खंड संख्या क्या है। एस का मतलब सप्लीमेंट्री नंबर क्या है यानी पूरक संख्या क्या है। सी का मतलब होता है कॉपी नंबर यानी उसकी प्रति संख्या क्या है। और सी आर मतलब क्रिटिज्म संख्या, मतलब समीक्षा, कोई चीज़ की समीक्षा है उसकी बात होती है यहाँ पर, क्रिटिज्म सी आर। इसी को रंगनाथन ने EVN मतलब इवेल्यूशन नंबर, मूल्यांकन संख्या कहा था। शुरू के चार क्या है, एक विषय की जो पुस्तकें हैं उसको दूसरे विषय से अलग करने का उपयोग किया। किसके लिए, कोई से रूप के अनुसार, भाषा के अनुरूप, प्रकाश वर्ष। एक विषय का तो एक ही है लेकिन दोनों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। लेकिन बाकी वाले चार किसके लिए प्रयोग किया है, एक विषय की पुस्तक के साथ, यानी विषय तो एक है उनको एक साथ रखने के लिए किसका प्रयोग किया गया, VSCR मतलब बुक नंबर फॉर्मूला के जो बाकी चार बचे हैं उनके लिए। अब एक्सेशन नंबर रजिस्टर के अंदर इस तरह लिखा होता है, यह आपको पता है। और GFR यानी फाइनेंशियल रूल, जनरल फाइनेंशियल रूल 2018 के अनुसार इसके अंदर कॉलम कितने होते हैं, 15 कॉलम होते हैं। जनरल फाइनेंस रूल। रजिस्टर की साइज क्या होती है, 13 x 16 इंच, 13 x 16 इंच। ये रजिस्टर अपन को विषय अनुसार नहीं बताता, ये क्या बताता है, पुस्तक के अंदर यानी लाइब्रेरी के अंदर पुस्तक किस क्रम के अंदर आई है उसी क्रम के अंदर उसके अंदर एक्सेसर नंबर लिखा जाता है, वो क्रम बताती है। अगर अपन को विषय अनुसार कोई चीज़ देखनी है उसको अपन अब क्या है, निधानी सूची का उपयोग करेंगे। लेकिन एक्सेसर नंबर का प्रयोग अपने स्थाई लेखा है लाइब्रेरी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। पुस्तक जब आती है तो उसका एक नंबर लिख दिया जाता है, उसका एक लोगो यानी टैग लगा दिया जाता है, ये नंबर की ये पुस्तक है, उसको ही बोलते हैं एक्सेसर नंबर। ये पूरे लाइब्रेरी की वर्ष के अंदर यानी पूरे जीवन काल में जो भी पुस्तक है उनका रिकॉर्ड इसके अंदर है, यानी ये लाइब्रेरी का स्थाई रिकॉर्ड है। समझ में आ गया, ये था बुक नंबर फॉर्मूला। तो LFY क्या है पता चल गया, यानी एक ही पुस्तक को अलग अलग करने के लिए, एक ही विषय की पुस्तक है उनको अलग लैंग्वेज अनुसार, भाषा अनुसार, ये अनुसार। लेकिन जो बाकी के चार है उसका प्रयोग किसके लिए जाता है, एक पुस्तक को दूसरी पुस्तक के साथ रखने के लिए। ठीक है, ये चीज अपनी 8 नंबर हो गई। 9 नंबर परिभाषा क्या है, संग्रहण संख्या का प्रयोग। संग्रहण संख्या का प्रयोग यानी कलेक्शन नंबर क्या है,
COLLECTION नंबर, ये सीसी के अंदर पेज नंबर क्या पर दे रखा है, 1.18 पर इसका प्रयोग है। आप अगर सीसी बुक है तो आप इसके अंदर जाके देख सकते हो क्या है इसके अंदर। पता है आपको, सबसे पहले आप क्लास नंबर लिखे जाते हैं, CLASS क्लास नंबर, फिर क्या होता है बुक नंबर, फॉर्मूला से बुक नंबर, यानी क्लास नंबर, बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, कलेक्शन नंबर, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, कॉल नंबर बनता है। क्या बनता है, कॉल नंबर। अपने क्लास नंबर कैसे पता कर लिया, बुक नंबर ही बुक नंबर, फॉर्मूला। अब कलेक्शन नंबर यानी पुस्तक के आकार प्रकार के आधार पर, ठीक है। अगर पुस्तक का आकार बड़ा हो तो अपन क्या करेंगे, और यानी इसके अंदर दो तरह का प्रयोग करें, एक तो आकार प्रकार के अनुसार, एक संग्रहण कक्ष के अनुसार। तो सबसे पहले लिखो आकार प्रकार के अनुसार, आकार प्रकार के अनुसार, अनुसार पुस्तक के आकार प्रकार है उसके अनुसार कैसे लिखेंगे। अगर सबसे पहले लिखो बड़ी पुस्तक है तो क्या करेंगे, अगर साइज से नॉर्मल साइज है उससे भी बड़ी पुस्तक है तो अपन जो बुक नंबर है निकाला है, जैसे बुक नंबर अपने लिखा है 244 निकाला है, तो उसके ऊपर ऊपर बड़ी लाइन खींच लेंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, बड़ी लाइन खींच लेंगे, तो क्या हो जाएगा अपन का, बड़ी पुस्तक के लिए ऊपर। अगर ये भी अगर छोटी पुस्तक है यानी नॉर्मल साइज से छोटी पुस्तक है तो क्या करेंगे, टू ये क्या है, 2x है, 2p, यानी बुक नंबर के ऊपर लिखेंगे। हो ये ध्यान रखना, बुक नंबर है उसके ऊपर, बड़ी पुस्तक ऊपर और छोटी पुस्तक के लिए तो नीचे। अगर ये सामान्य पुस्तक है, ये सामान्य यानी सामान्य ढंग से नहीं है, ये सामान्य आकार की, ये सामान्य आकार की पुस्तक है तो क्या करेंगे उसके लिए भी, 2pp, 2p2, एक ऊपर लाइन एक नीचे लाइन, यानी आकार के अंदर बड़ी पुस्तक है तो ऊपर लाइन, आकार में अगर छोटी पुस्तक है नीचे लाइन। ये सामान्य आकार की है यानी चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम है इस तरह से हो तो अपन को क्या करेंगे, बुक नंबर के ऊपर ऊपर ही लाइन और नीचे भी लाइन। और कटी फटी पुस्तक है, कटी फटी तो क्या होएगा, टू तो है क्या है, ये तो बुक नंबर है नहीं, ये तो है क्लास नंबर, तो बुक नंबर क्या है, ये बुक नंबर, तो इस पर ये क्या डाल देंगे, घोड़ा डाल देंगे। कटी फटी पुस्तक है तो उस पर क्या डाल देंगे, घोड़ा। तो ये लिख लेना आप, बड़ी पुस्तक के आकार प्रकार के अनुसार, बड़ी पुस्तक है तो ऊपर, छोटी पुस्तक है नीचे लाइन, असामान्य पुस्तक है ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइन, और कटी फटी है तो घोड़ा। ये किसके अनुसार है, पुस्तक के आकार प्रकार के अनुसार। आप पुस्तक का संग्रहण कक्ष के अनुसार है, संग्रहण कक्ष में अगर आपको लगाना है कलेक्शन नंबर तो वो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। ये लोग बताते नहीं है ज़्यादा, आप कहीं देखोगे क्लास के अंदर ज़्यादा नहीं लिखेगा होगा पुस्तक की संग्रह कक्ष के अनुसार आपको, और क्वेश्चन यहाँ का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब लिखो दो नंबर लगा के, संग्रहण कक्ष के अनुसार, पुस्तक का जो संग्रहण कक्ष है उसके अनुसार अगर सबसे पहले लिखो रीडिंग रूम, रीडिंग रूम के अंदर अगर पुस्तक है तो क्या लिखेंगे, जो P22 बुक नंबर है उसके ऊपर लिखेंगे RR, क्या नंबर लिखेंगे, बुक नंबर के ऊपर RR। पीरियोडिकल क्लास नंबर है, रूम है, पीरियोडिकल क्लास तो क्या लिखेंगे, P22 है उसके ऊपर लेंगे PC लिख देंगे। लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ की अगर बुक है, लॉ बुक्स तो क्या लिखेंगे, लॉ बुक यानी लॉ का नंबर क्या है, ZZD, जेड डिपार्टमेंट, इस तरह इसका प्रयोग करें संग्रहण कक्ष। ये थोड़ा ध्यान रखना, कितनी विशेषता हो गई, 9 हो गई ना, ठीक है। 10 नंबर लिखो दशा संबंध, दशा संबंध यानी फेज रिलेशन, फेज रिलेशन।
अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भेद रिलेशन का प्रयोग शिशि में कब किया गया है, तो पांचवें संस्करण में, पांचवें संस्करण में इसका प्रयोग किया गया है। दो विषय, दो पक्ष या दो पंक्तियों के संबंध को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है, फेज रिलेशन, दशा संबंध का प्रयोग होता है। इसका योजक चिन्ह क्या है, जीरो है, ये एक बार साथ में लिखना। और रोमन स्मॉल का इसके अंदर किया जाता है, रोमन स्मॉल का प्रयोग किया जाता है, छोटी एबीसीडी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शीशी के अंदर आपको बता दिया, दो तीन लाइनें बता दी, इसके अंदर लिख लेना। शीशी के अंदर दशा संबंध का प्रयोग पांचवें संस्करण के अंदर, इसका योजक चिन्ह जीरो, दो विषय दो पक्षों या दो पंक्तियों का आपसी संबंध को दर्शाने के लिए दशा संबंध का प्रयोग किया जाता है। इसके कितने स्तर है, पांच स्तर है, तीन प्रकार के पांच स्तर है। कैसे, अभी दिखा देता हूँ, तो थोड़ा ऊपर करके इसको लिख लो, पूरा पूरा लिखना है दशा संबंध। इसको अच्छे से बताया हुआ है लेकिन ये विशेषता है, तो एक बार मैं यह लिख लेता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कौन सी है, जनरलिया, यहाँ लिख लो पहले, इंटर इंटर सब्जेक्ट, पद इंटर इंट्रा फेसिड, इंटर सब्जेक्ट इंट्रा फेसिड और इंट्रा एरे, इंट्रा एरे यानी पंक्ति श्रृंखला, पंक्ति के श्रृंखला, इंटर सब्जेक्ट इंटर फेसिड इंटर एरे। ठीक है, अब कौन कौन से पांच स्तर है, सबसे पहले जनरल, फिर आता है बेस, फिर आता है कंप्रेशन एवं तुलना। हिंदी में लिख रहा हूँ, जनरल का मतलब सामान्य, बेस का मतलब झुकावात्मक, कोई कह सर हिंदी तो साथ में हिंदी, कंप्रेशन मतलब तुलनात्मक, चौथा नंबर है डिफरेंस मतलब अंतरात्मक, और लास्ट का इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभाव। मतलब प्रभाव, ये इसके पांच स्तर हैं। कौन कौन से हैं लिख दिया, जनरल, बेस, तुलना करना, कंप्रेशन, फिर डिफरेंस मतलब अंतर करना दोनों का, डिफरेंट क्या है, और इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभाव क्या है। तो जनरल के अंदर देखो सबसे पहले क्या लिखना, ए, बेस का बी, कंप्रेशन का सी, डिफरेंट का डी, और ई का प्रयोग नहीं किया, सीधा आएगा जी, राइट। याद करना इसका, देखो साथ में याद करो उस तरह याद का, सबसे पहले एबीसीडी का जनरल का है तो ए आएगा, बी का बेस का बी लो बी आएगा स्मॉल, सी का सी लो डी का डी लेगो, आई का जी लिखना है बस। फिर इंट्रा सब्जेक्ट इंट्रा फेसिट यानी पक्ष के लिए है, तो पहले सबसे पहले जनरल के लिए जे, स्मॉल जे है ये, ध्यान रखना ये सारे स्मॉल वर्ड आते हैं, जे जे के एम स्मॉल एम स्मॉल एन और आर, याद किसा एक वर्ड याद करो, एजे मतलब एजे, मूवी देखी हो ना किसकी, अजय देवगन की, बस वही वही एजे, जे पर जग के पर काइट, फिर एम एन और आर, फिर इंट्रा एरे जे टी स्मॉल जे टी, भाई यू एक अक्षर आ जाएगा बाकी आर, टी यू हो गया, स्मॉल वी हो गया, डब्लू हो गया और वाई हो गया। इसको क्या बोलते हैं, दशा संबंध। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसके अंदर देखो प्रयोग कैसे करते हैं वो भी बता दूं, दो अगर मेन क्लास दे रखी है, दो मेन क्लास है तो क्या कहें, जैसे मैथ्स एंड इंजीनियरिंग दोनों मेन क्लास है, दोनों का जोड़ने के लिए मैथ एंड इंजीनियरिंग एंड से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, जनरल, क्या होगा, अब जनरल आपको पता करना पड़ेगा, अगर एंड से जुड़ा हुआ है क्या बनेगा, जनरल का बनेगा। अब दोनों मेन क्लास है क्या, सीसी की जो मेन क्लास उसके अंदर दोनों है क्या, है साथ, है मतलब क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले तो आपको एक ही चीज़ भी ध्यान रखनी है, किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है मतलब जनरल, फोर से जुड़ा हुआ है मतलब बेस, ठीक है।
फिर बाकी वाला तो समझ में आ जाएगा, दो समझ एंड से जुड़ा हुआ है तो सब के जाना, आपको क्या जाना है, जनरल के अंदर जाना है। मैं फिर अपन को जनरल पता चल गया, मतलब जनरल के कितने हैं, तीन, ए, जे और टी, इनमें से एक होगा। फिर देखना है दोनों मेन क्लास है या सीसी के अंदर जो मेन क्लास दे रखी है, तो मतलब है, मतलब सीधा जाना किस पर, ए पर। बस सब्जेक्ट के अंदर ही है, मेन क्लास सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट है तो इंट्रा सब्जेक्ट के अंदर, अगर पक्ष के अंदर होगा तो दो पक्ष के अंदर जाते हैं। तो मैथ एंड इंजीनियरिंग, मैथ का कोड क्या है, बी 0, इसका अंदर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दशा संबंध के लिए सीसी के 6 रिपीट एडिशन के अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है दशा संबंध। फिर आएगा ए और डी का इंजीनियरिंग नंबर बन गए, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर देखो दूसरा उदाहरण करा देता हूं, दूसरा उदाहरण लिखो, देखो मैथ 4 इंजीनियरिंग, अब आप समझोगे मैथ 4 इंजीनियरिंग लिख दिया, 4 है मतलब किस पर, बेस पर आधारित है। अब बेस के अंदर दोनों मेन क्लास है, जनरल पर यानी 4 मतलब बेस पर आ गया। अब बेस के अंदर क्या है, दोनों तीनों का एक ही है, बी के जी यू, इनमें से एक होगा। फिर देखो दोनों मेन क्लास है क्या, है सीसी के अंदर मेन क्लास वहाँ पर दिया हुआ है क्या, दोनों दिया हुआ है सर, दिया हुआ तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि दोनों मेन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पर आएगा। अगर दोनों पक्ष होते तो पक्ष पर जाते हैं, और दोनों श्रृंखला यानी एरे पर होते तो एरे पर जाते, समझ में आ गया ना। तो 4 से जुड़ा मतलब बेस, तो क्या सब्जेक्ट होगा, मैथ 4 इंजीनियरिंग, कौन पढ़ेगा वो देखना है इसके अंदर, यानी इसके अंदर बेस के अंदर देखना पता है मैथ की है, मैथ 4 इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग का बच्चा पढ़ेगा मैथ, तो जो पढ़ रहा है उसको बनाओ मेन क्लास डी 0, और बेस का क्या होगा बी, और इंजीनियरिंग मैथ का क्या होगा बी, बस यही नंबर बन गए, डी 0 बी, समझ में आ गया ना। बस ये चीज़ देखना है, इससे अपन को दशा संबंध और ऐसे दशा में संबंध अलग से पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। ये किसकी बात होगी, दशा संबंध की, कितने नंबर हो गए अपने, 10 नंबर। 11 नंबर विधि लिखो, 11 नंबर विशेषता, क्या अभिधारणा, वे सिद्धांतों का आधारित, अभी धारणाओं तथा विशेषता तथा सिद्धांतों पर आधारित, सिद्धांतों पर आधारित। शिशि किस पर आधारित है, अभिधारणा और सिद्धांतों पर, कितनी अभिधारणा है, 21 अभिधारणा, कितने सिद्धांत है, 43 सिद्धांत है, यानी इसके अंदर आप पहले तो थोड़ी लिखो, शिशि पुस्तकालय विज्ञान की 21 अभिधारणा और 43 उपसूत्रों पर आधारित है, आधारित वैज्ञानिक विधि है। ये आपको पता है अभिधारणा और सिद्धांत, पलोगवर्मीनाथ तो क्लासिफिकेशन दी 1957 सेकेंड एडिशन, वहाँ पर इसका पूरे अभिधारणा और सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। विधि कितनी हो गई, 11, सिद्धांत विशेषता कितनी हो गई, 11। 12 वाले को सहायक अनुक्रम पर आ जाए, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत पर आधारित, ये अपन कहाँ पढ़ेंगे, अभिधारणा सिद्धांत, ये अपने चौथी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं लिखा रहा हूँ कितनी अभिधारणा 21, सिद्धांत कितने 43, और सहायक अनुक्रम यानी रंगानाथन ने जो विषयों का क्रम का निर्धारण के लिए कितने सहायक, यानी पहले तो ये देखो ये सहायक अनुक्रम इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो विषयों का क्रम निर्धारण के लिए सहायक अनुक्रम का प्रयोग होता है, बस ये ध्यान रखना है। सहायक अनुक्रम के सिद्धांत पर आधारित, सहायक अनुक्रम का मतलब होता है कि विषयों के क्रम, जो ऐसे थोड़ी जो मेन क्लास आप सोचोगे कहाँ डी इंजीनियरिंग दे दिया, बी मैथ दे दिया, लाइब्रेरी साइंस कहीं दे दिया, ठीक है, ये थोड़ी है, वी हिस्ट्री दे दिया लास्ट के अंदर, ऐसे नहीं दिया था। रंगानाथन जी ने इन पर सहायक अनुक्रम के सिद्धांत के आधार पर इनके विषयों का निर्धारण किया था, और सहायक अनुक्रम के कितने सिद्धांत है, 8 सिद्धांत है, ये अपन पढ़ेंगे चौथी यूनिट के अंदर। तो रंगानाथन के विषयों का क्रम निर्धारण के लिए सहायक अनुक्रम के 8 सिद्धांतों का प्रयोग किया था, ये लिखने अपन 12।
फिर 13 नंबर विशेषता लिख लो, अभी कुछ नहीं पूरी हो गई, एक विशेषता और है, सार्वभौमिक पद्धति। सार्वभौमिक पद्धति यानी शीशी के अंदर यूनिवर्सल स्कीम है, यानी शीशी के अंदर आप छोटे से छोटा यानी माइक्रो विषयों का भी, माइक्रो या छोटे से छोटे विषयों का भी वर्गीकृत करने की क्षमता है इसके अंदर, छोटे से छोटे विषय का भी वर्गीकरण कर सकती है शीशी, बाकी कोई विषय नहीं है जिसके अंदर। जैसे रीडर इंटरनेशनल है 1961, इसके अंदर क्या है, बना बनाया नंबर दे रखा है, 80,000 बना बनाया नंबर दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर जाना है लिखना है बस। लेकिन शीशी के अंदर नहीं है, छोटे से छोटा कोई विषय है उसका भी नंबर शीशी के अंदर बना सकते हैं अपन। और लास्ट विशेषता है पक्षपात रहित है, सबसे बड़ी यह है पक्षपात रहित दृष्टिकोण, यानी शीशी के अंदर कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है। जैसे यूरोप के अंदर नंबर है वो शीशी के अंदर ही अपने हिसाब से भारत का नंबर दे रखा है, तो उसी के हिसाब से यूरोप का, मतलब अगर पूछ लें सबसे पहले वहाँ पर देखो DDC के अंदर यूरोप का नंबर, फिर एशिया के अंदर आता है, लेकिन यह नहीं है शीशी के अंदर। कारण, इन्होंने घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार महाद्वीपों का वर्णन किया गया है। आगे अपन पढ़ लेंगे ये चीज़ ही, कहाँ किसका प्रयोग किया गया है वो भी देख लेते हैं आगे जब आएंगे उपसूत्र उनके अनुसार। तो यहाँ पर पक्षपात किया ही नहीं गया क्योंकि घड़ी की सुई के अनुसार महाद्वीपों का वर्णन कर दिया, तो वहाँ पक्षपात आता ही नहीं है। ठीक है, तो पक्षपात रहित दृष्टिकोण, ये अपनी थी शीशी की सारी विशेषताएं। इसके साथ शीशी अपनी पूरी होती, इसीलिए शीशी को बेस्ट माना जाता है। लेकिन हम, आपको पता है, हम भारतीय लोग हैं, ज़्यादा विदों से पर अस्ट्रेक होते हैं, विदेशों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपनी पद्धति है एक नंबर पद्धति है, माइक्रो से माइक्रो विषय, ठीक है, उसका भी वर्गीकरण DDC नहीं कर, फिर भी हम DDC का यूज़ करते हैं। हाँ, छोटी सी ये मतलब 250-300 रुपये किताब है, वो देखो 3 वॉल्यूम है, लगभग 10-12 हज़ार की किताब आती है, फिर भी अपन उसका यूज़ करते हैं क्योंकि इंडिया है साहब, यहाँ पर विदेशों के अंदर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अपनी जो बढ़िया है, जैसे अपन हर चीज़ वेदों के अंदर लिखी हुई, फिर भी अपन वेदों का इसका देखे देखते नहीं, लेकिन विदेशों को नजर, कहाँ पढ़ा हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फलानी यूनिवर्सिटी, ढींगड़ा, विदेशों में पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अपनी मातृभाषा के अंदर अगर है और अपनी वैदिक सभ्यता के अनुसार है, सब कुछ वो है। ये थी अपनी शीशी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई मैंने इसको, और सबसे बेस्ट पद्धति मानता हूँ मैं शीशी को। विश्व के अंदर सबसे बेस्ट पद्धति पूछो तो कौन सी है, शीशी। तो मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे अब DDC। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।